हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक हार्डवेयर लेवल का रिपेयरिंग देखेंगे कि अगर आपका मशीन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है या फिर आपका हार्ड डिस्क बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है या फिर हार्ड डिस्क आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इसका डिस्क घूम रहा है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रहा, आपका लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, तो आप इसको आसानी से घर में भी रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया आपका मशीन, विंडोज़ ओपन होने में भी टाइम लगा रहा है, तो देखते हैं। चलिए, आपको पहले तो इसको पूरा अच्छे से साफ सुथरा कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये पीछे वाला जो बोर्ड है, इसका लॉजिक बोर्ड, इसको हम लोग निकाल लेंगे। देखिए, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको जो यहाँ पे जो इसका कनेक्टर दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको कनेक्टर दिख रहा है, ये कनेक्टर जहाँ पे कनेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट जम गया, ठीक है, इसको अच्छे से पूरी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। तो आप ये घर में एक इरेजर की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल पेंसिल का इरेजर है, इससे हम लोग इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। देखिए पहले ये कैसा है, ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा साफ कर लेते हैं, या फिर आप थिनर का या आईपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रस्ट जम गया, तो इसके वजह से जी क्या होता है ना, हम लोगों का जो डाटा है वो पढ़ नहीं पाता कंप्यूटर और स्लो काम करने, ठीक है, विंडोज़ भी स्लो ओपन होने लगता। तो देखिए थोड़ा अभी भी यहाँ पे रस्ट है, पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे ताकि जो सारा कनेक्टर है वो अच्छे से दिख जाए हम लोगों को। देख पा रहे हैं पूरा एकदम क्लीन हो गया ये, ठीक है, ये थोड़ा बहुत इस पिन में और इस पिन में लगा हुआ है, इसको भी और एक बार खींच लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो चलिए इसको अब हम लोग फिट कर देंगे। तो आप इसको घर में आसानी से ऐसे साफ करके एक बार देख सकते हैं, अगर आपको स्पीड का दिक्कत आ रहा है तो एकदम 100% इससे आपका स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, नया में जैसा था वैसा हो जाएगा। और अगर आपका हार्ड डिस्क जो है शो नहीं कर रहा, तो इसको और ये वाला जो कनेक्टर है इसको भी थोड़ा साफ करके देखेंगे, ठीक है, अगर साफ करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको जो है हार्ड डिस्क रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर भी रिप्लेस करने से पहले ये दोनों कनेक्टर को एक बार साफ करके लगा के देख लीजिए कि आपका हार्ड डिस्क जो है शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसका स्पीड बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हो रहा है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ओके। चलिए अब इसको हम लोग फिट कर देते हैं। Yeah.
तो ऐसे ही आप इसको हार्डवेयर लेवल में घर में ही रिपेयर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमको लैपटॉप डेस्कटॉप चीप लेवल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9002459992। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।